परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने बात की, आपकी महिमा परम्पार में आपकी सामर्थ्य का अद्भुत है कि आपका प्रेम महान है, आपके पवित्र वचनों के लिए, पवित्र आत्मा के लिए और पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के लिए जो आपके पवित्र वचनों के द्वारा हमको करता है ताकि हम आत्मिक रूप से परिपक्व हों और आत्मिक रूप से उन्नति में आगे बढ़ें ताकि हमारा जीवन आपकी महिमा में प्रकट हो और आपकी महिमा का कारण है। इसके लिए आपका धन्यवाद है। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके ग्रह परमेश्वर मसीह के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सन ऑफ गॉड पार्ट 87 के लिए, डिफरेंस बिटवीन विजिलेंट एंड डिलीजेंट। ये दो शब्द हैं, ये दोनों को हमको समझना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों वर्ब नहीं है, ये एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव का मतलब है क्वालिटी। दिस इज द क्वालिटी ऑफ नेचर या क्वालिटी ऑफ माइंड। ये हमारे माइंड में अगर नहीं है तो स्पिरिचुअल अवेयरनेस और स्पिरिचुअल लाइफ भूल जाएगी। ये आप इसके कोसों दूर हैं अगर आपके अंदर, आपके माइंड में ये दो क्वालिटीज नहीं है, और ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। इसको समझने के लिए हम देखेंगे पहला पत्रस 5 अध्याय उसका 8 पद, हिंदी फिर इंग्लिश। सचेत हो और जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है किसको फाड़ खाए। द नेचर ऑफ सेटन एंड द प्लानिंग ऑफ सेटन। शैतान की प्लानिंग क्या रहती है कि किसको फाड़ खाएगा। हमने आप लोगों को याद होगा बहुत पहले बताया था वल्नरेबल का मतलब क्या होता है, हाँ, जिसको आसानी से शिकार किया जा सके, जिसको आसानी से कब्जे में किया जा सके। ये इमेच्योर लोगों के अलावा कोई और नहीं हो सकता है। स्पिरिचुअल इमेच्योर स्पिरिचुअल डिसेप्शन में बड़े आराम से चले जाएंगे, इन पर कोई मेहनत नहीं करते। और जो परमेश्वर को बिल्कुल नहीं जानते हैं, वर्ल्डली लोग तो ऑलरेडी है ही है डिसेप्शन में, वहाँ पर तो कुछ भी नहीं करना, वो तो उसके खाने में है। और जो इमेच्योर है ये भी आसानी से उसका शिकार हो जाएंगे। केवल जो बचेंगे तो वो मेच्योर बचेंगे, स्पिरिचुअल मेच्योर, आत्मिक रूप से परिपक्व लोग। ठीक, अब आप इस विषय को बहुत आसानी से बहुत यानी ध्यान पूर्वक समझिए कि परमेश्वर का वचन हमको क्यों दिया गया है और पवित्र आत्मा इन वचनों के द्वारा हमारे आत्मा में क्या करना मांगता है। ये यहाँ पे जो भाषा लिखी है वो फिर से पढ़िए, हिंदी में क्या लिखा है। सचेत हो सबसे पहली बात कह रहा है, सचेत हो फिजिकली नहीं स्पिरिचुअली। और मालूम है फिजिकली लोग सचेत होने का मतलब, क्योंकि इसके आगे क्या लिखा है, और जागते रहो। सचेत हो और जागते रहो। मालूम है फिजिकल जो विश्वासी लोग हैं, मसीही विश्वासी, वो जागते रहो का मतलब होल नाइट प्रेयर। यही मीनिंग उन्होंने निकाली है, फिजिकली जागते रहो, फिजिकल जागने का मतलब होल नाइट प्रेयर। लेकिन आप परमेश्वर का वचन ये कहता है रात उसने सोने के लिए बनाई है ना, रात में आप सोइए, यानी ये पब्लिक मीटिंग, पब्लिक प्रेयर मीटिंग कॉन्डक्ट नहीं की जा सकती है होल नाइट। हाँ, आप पर्सनली आप रात भर प्रार्थना में बैठते हैं, दैट इज ओके। व्यक्तिगत तौर पे आप होल नाइट प्रेयर करते हैं वो ठीक है, इसकी परंपरा ना बनाए और पब्लिक में इसका इस चीज़ के लिए लोगों को ज़्यादा वो ना करें। ये स्पिरिचुअल मेच्योर लोगों के लिए वो खुद ब खुद, जिसको रात में जागना है वो जागेगा, क्योंकि सबके जागने की क्षमता नहीं होती है। इसलिए जब यीशु मसीह गिरफ्तारी से पहले, देखिए गतसमनी के बाग में जब वो प्रार्थना करने के लिए अकेले जाता, वो अपने चेलों को क्यों नहीं ले जाता। यीशु मसीह ने किसी चीज़ का कोई ऐसी परंपरा नहीं शुरू की थी, वो चेलों से थोड़ा हट के अलग जाके प्रार्थना कर रहा था क्योंकि दिन में उसको समय नहीं मिलता था। वो दिन में अपने पिता का काम करता था, रात में वो पिता के साथ फेलोशिप करता था। वो प्रेयर मीन्स फेलोशिप एंड कम्युनियन विद गॉड या कम्युनिकेशन विद गॉड।
और वो वहाँ पे प्रार्थना करता था, और उसने वो प्रार्थना करने गया तो चेलों को लेके नहीं गया, अकेले गया। जब लौट के आया तो चेले क्या कर रहे, तो यीशु मसीह ने उनको ये नहीं कहा, उसने कहा तुम मेरे साथ दो घड़ी ना जा सके, यानी वो वहाँ उन लोगों को ये नहीं कह रहा था मेरे साथ चलो प्रेयर में, वो ये कह रहा था कि जागते रहो। वहाँ पर यही वाली मीनिंग आती है, हम सचेत रहें और जागते रहें। ये फिजिकल बात नहीं, लेकिन पढ़ने के लिए अगर फिजिकल मैन पढ़ेगा तो क्या पढ़ेगा, ये फिजिकल सेंस में लेगा, जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाली सिंह गरजने। क्या आप शैतान को पहचानते हैं? तो आप जाग कर फिजिकली जागेंगे भी तो आप उसको पहचानते तो है नहीं। आपका फिजिकल जागने से क्या शैतान के वार से आप बच सकते हैं? नहीं ना। अब आप इसको इंग्लिश में पढ़िए, Be well balanced. ये वर्ब नहीं है, बी वेल बैलेंस्ड का मतलब फिजिकल और स्पिरिचुअल लाइफ में आपका वेल बैलेंस्ड हो। ठीक, स्पिरिचुअल मैच्योर लोग दोनों प्रकार की लाइफ को बैलेंस करते हैं, वेल बैलेंस्ड। अब बैलेंसिंग इज द पार्ट ऑफ अवर माइंड, हमारे विचार अगर बैलेंस होंगे तो हमारी लाइफ बैलेंस होगी, और पवित्र आत्मा हमारे विचारों को बैलेंस करता है, क्योंकि हमारे विचार बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी जा सकते हैं और बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी जा सकते हैं, एक्सट्रीम्स हैं दोनों। आप बहुत एक्सट्रीम पे नेगेटिव भी जा सकते हैं और एक्सट्रीम पे पॉजिटिव जा सकते हैं, न्यू थॉट अपने विचारों में, इसलिए वेल बैलेंस्ड से शुरू किया जा रहा है। जी बी वेल बैलेंस्ड, टेम्परेट, सोबर ऑफ माइंड, सोबर ऑफ माइंड, ये पूरा माइंड का स्टेटस बताया जा रहा है, द स्टेटस ऑफ स्पिरिचुअल मैच्योर पर्संस माइंड, ये हमारे माइंड की बात की जा रही है। आप लोग ध्यान दे रहे होंगे अगर लगातार, तो न्यू टेस्टमेंट एंड द वर्ड ऑफ गॉड, वॉइस ऑफ गॉड एंड द होली स्पिरिट ऑल आर वर्किंग फॉर माइंड। माइंड पे फोकस क्यों है इतना ज्यादा? न्यू टेस्टमेंट इज टोटली फोकस ऑन माइंड, क्योंकि माइंड से ही इंसान का लाइफ का कनेक्शन। आप किस तरीके का जीवन जीते हैं, जैसी आपकी सोच होती है वैसे ही आपका जीवन होता है। आप जो सोचते हैं वही बोलते हैं, आप जो सोचते हैं वही करते हैं, आपकी सोच आपके जीवन को प्रकट करती है। किस तरीके की आपकी सोच है वैसे ही आपका जीवन है। अगर आपके जीवन को हम देख लें तो हमें आपकी सोच पता चल जाएगी, आप किस सोच के, किस विचारधारा के। जी Be vigilant. And cautious. यहाँ पे वर्ड आ गया vigilant. Be vigilant. And cautious. At all time. जी. For that enemy of yours. The devil. Roams around like a lion. Roaring in fierce anger. Seeking someone. To seize upon. And devour. ये किसको खोज रहा, पहली चीज तो ये बताइए। शिकार इसका कौन हो सकता? Vulnerable persons को खोज रहा है। Vulnerable का मतलब जिसको आसानी से, जिसके माइंड को मैं अपने कब्जे में कर लूं। और ये कौन हो सकते हैं? फुली मैच्योर हो सकते, ये कौन होगा? इमेच्योर और वर्ल्डी लोग। वर्ल्डी लोग तो टोटल है ही है उसमें उसको कोई वर्क नहीं करना। संसारिक लोग तो उसके कब्जे में है, लेकिन जो कब्जे से छूटे हैं इमेच्योर, ना तो वो अभी 100% परमेश्वर में आगे बढ़े और वो ना ही 100% वहाँ से वर्ल्ड से बाहर निकले, यानी अभी संसार, वो परमेश्वर हमें संसार से निकालता है जब, तो हमारे माइंड में, हमारे विचारों में, हमारे अंदर भीतरी मनुष्य में वर्ल्ड रहता है। वी आर फ्रॉम द आउट ऑफ वर्ल्ड बट द वर्ल्ड इन अस, हमारे अंदर संसार की आत्मा है। अब ये जो संसार की आत्मा ही हमारे थॉट लाइफ में काम करती है, हमारी विचारधारा में, ठीक। और आप अभी 100% परमेश्वर में फुली मैच्योर नहीं हुए, तो अभी आप बीच में, ये किसको ढूंढ रहा शैतान? ये बीच वाले,
ये बीच वाले ना इधर के हैं और ना उधर के। देयर आर टू किंगडम्स अकॉर्डिंग टू द न्यू टेस्टामेंट। जब आपको उद्धार मिला, अब आप शैतान के राज्य से उसने हमें निकाला और परमेश्वर के राज्य में भी हम पहुंचे नहीं। अब भाई हम रास्ते में, मार्ग में, शैतान के, ये शैतान जो है गरजने वाले सिंह की नाई किसको खोज रहा है। अब आप देखिए पुराने नियम में जाके आप देख सकते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें मिस्र से निकाला और लाल समुद्र पार करा दिया, किंगडम से किंगडम चेंज हो गया, ये मिस्र से बाहर आ गए, अब कनान के रास्ते में है, प्रॉमिस लैंड के, है ना। लेकिन उनका विनाश कहाँ हुआ? मार्ग में। शैतान ने कहाँ काम किया? मार्ग में। उद्धार पाने के बाद 100% वो प्रॉमिस लैंड में एंटर नहीं कर पाए, केवल दो लोग जाए। वहाँ से आप लेके चलिए, वो हमको एग्जाम्पल दिया गया है ताकि कलीसिया के लोग वहाँ से इस बात को सीखे, जाने, समझे और फिर उसके हिसाब से नए नियम के अनुसार स्पिरिचुअली चले। वहाँ फिजिकली दिखाया आपको, स्पिरिचुअली चल रहा है, ठीक। अब इसके बाद इब्रानियों की पत्री 11:6 और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना, परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए। वो है। क्या विश्वास करना चाहिए? वो है। कहाँ? आप परमेश्वर के पास आए हैं, वो आप किसके पास आए? परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। When you came to Jesus Christ, जब आप यीशु मसीह के पास आते हैं, तो यीशु मसीह ने क्या कहा था 14:5 में? हाँ, 14:5 उसने कहा, तो परमेश्वर पर विश्वास रखते, मुझ पर नहीं रखते, है ना। तो अगर परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, उसके इकलौते पुत्र ने उसे संसार में प्रकट किया, तो परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, तो किसको परमेश्वर मान रहे? पहला क्वेश्चन इसमें आता है कि तुम किसको परमेश्वर मान रहे हो। परमेश्वर के पास आने वाले को ये विश्वास करना चाहिए कि वो है। तो कहाँ? ही इज इन क्राइस्ट, वो मसीह में है। आप मसीह के पास आओगे तो आपको ये विश्वास करने पड़ेगा कि ये परमेश्वर का पुत्र है और परमेश्वर इसमें है। उसने कहा पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ, करेक्ट। गॉस्पल को अंडरस्टैंड कीजिए, ये गॉस्पल आपके माइंड में रहना चाहिए, क्योंकि आप किसी को भी ईश्वर मान लेते हैं, यही तो वल्नरेबिलिटी है। किसी के आगे झुक जाना, किसी को ईश्वर मान लेना, किसी से भी प्रार्थना करने लगना, किसी के आगे सर झुका देना, यही तो गलत है। पहला हुक्म यही तो होता है जी। और अपने खोजने वालों को, और परमेश्वर किसको किसको प्यार करता है, किसको प्रतिफल देता है? खोजने वाले, जो परमेश्वर को खोजने वाले, परमेश्वर अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। आपको क्या चाहिए? रिवॉर्ड कौन देगा? तो परमेश्वर है कहाँ? मसीह में। और आप अगर मसीह में आ जाते हैं तो आगे लिखा हुआ है कि मसीह में उसने सब प्रकार की आशीष दे दी, मिली क्यों नहीं? आप मसीह में जब जाएंगे तो यू आर ऑलरेडी ब्रेस्ट, तो आपको मानना पड़ा। यही तो उसने कहा था, पहले उसके राज्य धर्म की खोज करो, बाकी चीज़ें तुम्हें आपसे आप मिल जाएंगी, अपने आप मिल जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी दे दी उसने। आज दुनिया में लोग मांगने पड़े हुए हैं, प्रार्थना करने में लगे हुए, उससे प्रार्थना कर करके मांग रहे हैं, मांगने से मिलेगा? ये न्यू टेस्टमेंट गलत हो जाता है अगर मांगते हैं आप, ठीक। परमेश्वर का प्लान में मांगना ही नहीं, इंग्लिश में पढ़ना बेटा। बट विदाउट फेथ इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज, इट इज नॉट हार्ड, ये कठिन नहीं है, इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज एंड बी सैटिस्फैक्ट्री टू हिम फॉर हुएवर वुड कम नियर टू गॉड मस्ट भी लिखा है और नेसेसरीली भी लिखा है। मस्ट का मतलब अवश्य और नेसेसरीली का मतलब जरूरी है। ये आवश्यक भी है और जरूरी भी है। अगर आप दोनों शब्दों को इंग्लिश में दो शब्द लिखे, हिंदी में तो यही अनिवार्य है, ये मैंडेटरी है जी। Must necessarily believe that God exists and that He is the rewarder of those who earnestly and diligently
एंड डिलीजेंटली सीक हिम आउट, जो उसको पूरा मन लगाकर खोजते हैं उनको वो सब कुछ दे देंगे। ये बताइए आज के युग में कौन परमेश्वर को खोज रहा है? तब पैसे के लगे, पैसे पैसे पैसे, अभी चलने जब बड़ा आराम से चलने दीजिए, जब दुनिया मिटती जाएगी और जितने पैसे की लाइन में लगे एक एक करके विकेट गिर धड़ा 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 धड़ा, आप रोज न्यूज में देखते हैं। इसीलिए हम कहते हैं परमेश्वर का वचन सुनिए और न्यूज देखते रहिए। आपको यहाँ पे जो जो बताया जा रहा है वो सब वहाँ हो रहा है, वहाँ से आपको न्यूज मिल रही है जी। विजिलेंट मीन्स द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग वॉचफुलनेस। इसमें हमने बताया था ना, विजिलेंट में आईज का काम है हमारी, ये वाली माइंड में अगर हम विजिलेंट हैं तो हमारी आईज हमेशा ऑब्जर्विंग आईज हो, हम ऑब्जर्व करने लगे। ऑब्जर्वेशन क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन? नहीं, ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है देख कर डिसर्न करना, टू डिसर्न समथिंग बाय आवर माइंड बाय आवर आईज विजुअली। आप किसी चीज को देख कर परखते हैं, लोग डिसर्नमेंट कैसे करते हैं? आप चावल लेने जाते कैसे चावल को परखते हैं, है ना? और पैसों को फेक करेंसी कैसे आप चेक करते हैं? देख कर। लेकिन मालूम है देखने वाला आदमी धोखा खा जाता करेंसी के मामले, लेकिन ब्लाइंड आदमी कभी धोखा नहीं खाता इन द मैटर ऑफ करेंसी। बहुत धोखा खा बैंक वाले, प्रैक्टिस की बात है, ये प्रैक्टिस होनी चाहिए आपको, आपको इतनी परख होनी चाहिए। अगर आपको सच्चाई की अच्छी परख होगी तो झूठ आपके सामने कट से प्रकट होता है। हमने आपको एक दिन बताया था ना, प्रूफ रीडिंग की तरह परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, प्रूफ रीडिंग की तरह। जब आप प्रूफ रीडिंग के माइंडसेट से पढ़ेंगे, हालांकि बहुत कम लोगों में, बहुत कम लोगों में होता है, एक एक मात्रा, एक एक पंक्चुएशन, एक एक चीज़ आपको देखनी है, कहाँ कॉमा है, हर चीज़ की एक मीनिंग है जी। नीति वचन 4:23 पर सबसे अधिक अपने मन की रक्षा। अरे वही तो मन काबू में नहीं है, सब लोग अपने मन के काबू में है तो कहाँ उसकी रक्षा करेंगे। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। जिंदगी का असली स्रोत आपका मन है। एक्चुअली मन जो लिखा हुआ हिंदी में लिखा हुआ है, यहाँ पे इंग्लिश में इसको पढ़िए, इंग्लिश में क्या लिखा है? कीप एंड गार्ड योर हार्ट विथ ऑल विजिलेंस एंड अबव ऑल दैट यू गार्ड फॉर आउट ऑफ इट फ्लो द स्प्रिंग्स ऑफ लाइफ। जीवन का स्रोत यहाँ से निकलता है। आप जैसा आपका हृदय होगा, आपको मालूम है हार्ट क्यों इस्तेमाल किया गया? हार्ट इज अ फिजिकल ऑर्गन मेडिकल, और ये क्या करता है, ये हमारे शरीर को खून की सप्लाई करता है और ऑक्सीजन से उसको प्योरीफाई करता है और पूरी बॉडी में सप्लाई करता है। हार्ट में दो प्रकार का ब्लड होता है, एक गंदा ब्लड आता है जो प्योरीफाई होता है थ्रू ऑक्सीजन, और दूसरा फ्रेश प्योरीफाइड ब्लड होता है जो पूरे, वो दो प्रकार की हमारी नसें होती हैं, एक को कहते हैं आर्टरी और एक को कहते हैं वेन। एक गंदा खून लाती है और एक साफ खून ले जाती है, ये दो प्रकार का होता है। लेकिन परमेश्वर के वचन में हार्ट का मतलब मालूम समझते हैं क्या है? हार्ट का मतलब होता है द थॉट्स पर्पसेस एंड योर कैरेक्टर, ऑल थिंग्स आर इन योर हार्ट, ऑल थिंग्स बिलोंग टू योर हार्ट। और हार्ट इज कनेक्टेड विद आवर माइंड, माइंड इज नॉट एन ऑर्गन, ये फिजिकल ऑर्गन नहीं। यहाँ पे हार्ट में माइंड के थ्रू जो ऑर्गन नहीं है, सॉफ्टवेयर है, ये एक ऐसा पार्ट है हार्ट जहाँ पर माइंड के द्वारा मनुष्य का कनेक्शन उसकी आत्मा से होता है। तो हार्ट में माइंड के थ्रू स्पिरिट कॉमन हो जाता है, इसलिए नया नियम माइंड पर फोकस करता है। कीप का मतलब हिब्रू में क्या है मालूम है?
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कीप इन द हिब्रू? यहाँ पे लिखा कीप एंड गार्ड योर हार्ट। कीप का मतलब होता है विजिलेंट एंड डिलीजेंट इन योर हार्ट। ये हार्ट में हमारा हमारा मॉरल कैरेक्टर कैसा है? अगर हम ईमानदार प्रवृत्ति के हैं तो हमको बेईमानी बर्दाश्त नहीं होगी, और अगर हम बेईमान प्रवृत्ति के हैं तो ईमानदारी पसंद नहीं करेगी। अगर हम कैरेक्टर में सही हैं तो हम गलत कैरेक्टर को बर्दाश्त नहीं करेंगे, और अगर हम गलत कैरेक्टर के हैं तो हम सही कैरेक्टर को बर्दाश्त नहीं करेंगे। चरित्र सच्चा सही चरित्र हमको पसंद नहीं आएगा। और इन दोनों में ये दो प्रकार के लोग होते हैं, ठीक यहीं से हमारी लाइफ जुड़ी हुई है। कीप एंड गार्ड योर हार्ट। अब ये बहुत टफ चीज़ है कि हम अपने हृदय की रक्षा कर पाएं या अपने विचारों पे ऐसा छन्ना लगा दें कि हमारे विचार छन के आए, अच्छे अच्छे आए, बुरे बुरे ना आए, ये नहीं कर सकते। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ये चैलेंज है और यही हमको परमेश्वर की ओर मोड़ता है। डिलीजेंट मीन्स, डिलीजेंट इज परफॉर्म, क्या लिखा है, परफॉर्मिंग विद इंटेंस कॉन्सेंट्रेशन फोकस रिस्पॉन्सिबल रिगार्ड्स। मतलब क्या हुआ, हिंदी बताइए। संपूर्ण मन से आपका पूरा कॉन्सेंट्रेशन, ध्यान, माइंड, हार्ट, विल, हार्ट में विल है, आपकी विल भी उसमें इन्वॉल्व हो आपके माइंड के साथ, यानी इच्छा के साथ, इंटरेस्ट के साथ परमेश्वर के वचन को सुनना, सीखना, उसको अध्ययन करना और उसको अपने माइंड में ले जाना, एक्सेप्ट करना, ये इसको कहते हैं डिलीजेंट। मेरे साथ एक पद निकालिए, दूसरा पत्रस पहला अध्याय उसका 3-11 पद। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है। किसकी? अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह की पहचान के द्वारा हमें दिया है। जी, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं। पुराने नियम की प्रतिज्ञाएं अब नहीं दी गई हैं, अब क्या दिया है, बहुत ही बड़ी और बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं दी इन द न्यू टेस्टमेंट। जी, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूट कर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। संभागी का मतलब क्या होता है? तुम्हारा स्वभाव परमेश्वर के पुत्र के स्वभाव में कन्वर्ट हो जाए। और फिलिपियों में क्या कहा, तुम्हारा स्वभाव वैसा हो जैसा यीशु मसीह का होता है। वो गाली सुनकर गाली नहीं देता है ना, वो किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाता, कभी नहीं लगाया उसने, और वो किसी को धमकाता नहीं था, जबकि वो परमेश्वर के तुल्य था। उसने अपने आप को परमेश्वर के तुल्य होने का, यानी इस पद को भी उसने छोड़ दिया, अपने आप को शून्य किया, एक दास का, नौकर का रूप धारण किया, गुलाम, लोगों का गुलाम। क्या ऐसा पॉसिबल है कोई बनता है? पॉसिबल, अगर पॉसिबल नहीं होता तो ये हमको क्यों बोला जा रहा है कि ऐसा होना पॉसिबल है। लेकिन आपको ऐसा दिखता इसलिए नहीं है क्योंकि कोई व्यक्ति सच्चाई से प्रभु यीशु मसीह पर ना तो विश्वास करता है और ना डिलीजेंटली परमेश्वर के वचन पर ध्यान करता है, और ना ही इसको एक्सेप्ट करता है, ना पवित्र आत्मा के अनुसार चलता है, इसलिए पॉसिबल नहीं। पॉसिबल होता, नहीं होता तो हमको यही निर्देश दिया गया, इसके अलावा एक्सेप्टेंस है ही नहीं। और लोग बड़ी आसानी से कहते थे ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो फिर ये भी पॉसिबल नहीं है कि तुमको ग्रहण करें। और फिर तुम जो चीज़ें लेकर मांग रहे हो, अपनी इच्छा में मांग रहे हो ना, मिलेगी कुछ नहीं, शाम दाम दंड भेद लगा के भाग जाओगे, हार जाओगे, थक जाओगे, भाग जाओगे।
इसलिए हम लोगों को पहले से बोल देते हैं कि 10 साल बाद भागने से अच्छा अभी भाग जाओ, और नहीं तो 100% परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित करो, जैसा उसका वचन कह रहा वैसा करो, तुमको 100% मिलेगा, लिखा हुआ है 100% आपको यही मिलेगा जमीन पे। जी इसी कारण सब प्रकार का यत्न करके तुम, हमको क्या करना है इस ऐसा होने के लिए, हमको क्या करना है, सब प्रकार का यत्न, खाली यत्न नहीं करना है, सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ, क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहेंगी और बढ़ती जाएंगी तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मा और निष्फल ना होने देंगी, क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं वो अंधा है। पहली चीज वो स्पिरिचुअली ब्लाइंड है, आत्मिक तौर पे अंधा है और धुंधला देखता है और अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। यानी उद्धार पाए हुए व्यक्ति में ही ये प्रॉब्लम आती है। जी इंग्लिश इस कारण हे भाइयों अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का बुलाए हुए बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े। रीजन क्या है, अब फिर से इस पद को पढ़िए सिस्टर। हे भाइयों अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ। इसका मतलब बुलाए हुए बहुत है चुने हुए थोड़े, क्योंकि थोड़े लोग यत्न करते हैं अपनी बुलाए जाने और चुने जाने को सिद्ध करने का, यत्न लोग नहीं करते, और इसलिए बुलाए हुए बहुत हो जाते हैं चुने हुए थोड़े हो जाते हैं। चुने कौन जाते हैं, जो अपने बुलाए और चुने जाने को सिद्ध करते हैं वही चुने हुए हैं। जी क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर नहीं खाओगे वरन इसी रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धार करता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। क्या पाओगे, ये तो बड़ा सरल बता रहे, बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे, और लोग वहां पर प्रवेश करने के लिए सामदम दंड भेद लगा रहे, अपने अपने तरीके आसमान है और धर्म का मार्ग पकड़ के खड़े हैं, जबकि उसने सत्य का मार्ग दिया, और बिना सत्य के मार्ग के कोई प्रवेश पाएगा नहीं। इसको बेटा इंग्लिश में पढ़ो। For his divine power has bestowed upon us all things that are requisite and suited to life and godliness through the full personal knowledge of him who called us by and to his own glory and excellence by means of these he has bestowed on us his precious and exceedingly great promises so that through them you may escape by flight from the moral decay rottenness and corruption that is in the world because of covetousness
बिकॉज ऑफ कॉविटसनेस lust and greed and become sharers partakers of the divine nature for this very reason adding your diligence to the divine promises employ every effort in exercising your faith to develop virtue, excellence, resolution, Christian energy, and in exercising virtue, develop knowledge, intelligence, and in exercising knowledge, develop self control. And in exercising self-control, develop steadfastness, patience, endurance, and in exercising steadfastness, develop godliness, piety, and in exercising godliness, develop brotherly affection, and in exercising brotherly affection, develop Christian love, ये अगापे love है, निस्वार्थ प्रेम, जी. For as these qualities are yours, these are the qualities. Qualities of character or of our moral nature. Ye spiritual qualities hain. Ji. And increasingly abounding in you. These qualities will keep you from being idle or unfruitful unto the full personal knowledge of our Lord Jesus Christ, Messiah, the Anointed One. For whoever lacks these qualities, is blind, spiritually short-sighted, seeing only what is near to him, and has become oblivious. To the fact that he was cleansed from his old sins, old sins. Because of this, brethren, be all the most solicitous, and eager to make sure, to ratify, to strengthen, to make steadfast, your calling and election. For if you do this, you will never stumble or fall. Thus, there will be. Richly and abundantly provided for you. Entry into the eternal kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ. आप उसकी second coming में हम उसके उसमें enter करने जा रहे हैं, है ना? तो हम किस स्थिति में हैं? Second coming आपको डरानी नहीं चाहिए. जो सच्चे विश्वासी हैं उनके लिए डर का नहीं, उनके लिए खुशी का यही सब्जेक्ट है. और जो लोग प्रिपेयर नहीं है उनके लिए यह हौला देने वाली बात है. जी, अब ये देखिए, द डे ऑफ द लॉर्ड यानी सेकेंड कमिंग को अक्सर पौलुस ने कलीसिया को बोला गया प्रभु का दिन, मसीह के दिन. द डे ऑफ द लॉर्ड, द डे ऑफ द लॉर्ड इज नॉट अ 24 आवर्स डे. The day of the Lord is a period of time, means a season. बारिश का दिन नहीं होता है, लेकिन लोग कहते हैं बारिश के दिन आ रहे हैं. रेनी सीजन को क्या कहते हैं? बारिश के दिन आ रहे हैं. इसको डे से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, बट डे इज नॉट अ वन डे 24 आवर डे. डे मीन्स द सीजन. जाड़े के दिन, बारिश के दिन, गर्मी के दिन, तो दिन वर्ड यूज कर रहे हैं ना. डे,
डे का मतलब ये है अ सीजन, ये पीरियड ऑफ टाइम है। यीशु मसीह की सेकंड कमिंग, ये एक दिन में 24 आवर्स में डे में कुछ नहीं होगा, वन डे नहीं है। दिस इज द पीरियड ऑफ टाइम जी। सेकंड कमिंग, जैसे देखिए सेकंड कमिंग के लिए बहुत अच्छा एग्जांपल आपको दे दें, सूरज सुबह उगता, सनराइजेस, डॉन है, पौ फटती है, सूर्य उगता है, लेकिन पूरी रोशनी आने में कितने टाइम लगते हैं? 6 आवर्स, दिन में 12 बजे की फुल लाइट होती है, और उसके बाद फिर वो घटना शुरू होती है ना। तो दो पार्ट हैं, वो उगने से और फुल मून फुल लाइट तक, यानी सूरज उगने से दिन के 12 बजे तक और 12 बजे से डूबने तक, ये दो फेजेस हैं ठीक। ये यानी दिन के दो फेजेस होते हैं। यीशु मसीह ने कहा देख, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते हैं? 12 घंटे का मतलब 6 घंटे एक पहर और दो पहर हो गए ठीक। इसलिए हम लोग 12 बजे के बाद उसको कहते हैं नून, मीन्स दो पहर, ये दूसरा पहर शुरू हो गया। आप शब्दों में अक्सर ये बातें बोल रहे हैं लेकिन आप इसको समझ नहीं रहे जी। सेकेंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट इज कॉल्ड सेकेंड एडवेंट और पराउजिया। फर्स्ट एडवेंट, फर्स्ट कमिंग इज द फर्स्ट एडवेंट, सेकेंड कमिंग इज द सेकेंड एडवेंट, ये उसका दूसरा फेज है। फर्स्ट कमिंग में उसने किंगडम की फाउंडेशन डाली, सेकेंड कमिंग में वो किंगडम को एस्टैब्लिश करेगा स्पिरिचुअली ठीक। अब हम देखते हैं थ्री क्लासेस ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड दैट एट हिज कमिंग। सेकेंड कमिंग के समय पूरे संसार में जो मानव जाति है ये तीन भागों में बटी होगी। वो तीन भाग कौन से होंगे? नंबर वन वर्ल्डली पीपल, संसारिक लोग ठीक, टोटली अनअवेयर ऑफ द फैक्ट मीन्स स्पिरिचुअली अनकॉन्शियस। इसका मतलब क्या? उनको तो ये भी नहीं पता है कि यीशु मसीह कौन है, वो आएगा वहां से क्या होगा, इस फैक्ट को वो जानते ही नहीं। दे डोंट अवेयर एंड दे डोंट बॉदर। वो लोग लालच में, शारीरिक जीवन में, नशेबाजी में, संसारिकता में लिप्त क्यों? क्योंकि उनको सच्चाई नहीं मिलती और वो मालूम भी नहीं करना। वो जिस लेवल पे वो उसी लेवल पे, बस ये शुरू वो खत्म, उनका क्या? मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसका 38-39 पद पढ़िए। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे, लोग ये वर्ल्डी लोग थे, जो लोग वो खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, पार्टियां होती थी, शादी ब्याह हो रहे थे, व्यापार चल रहा था, लेन देन चल रहा था जी। और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा न ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम न पड़ा। क्या हुआ? हमको यहाँ पे साइन दे दिया गया है, तब तक उनको कुछ भी पता चला ही नहीं कि क्या होने जा रहा था और ये क्या से क्या हो गया। मास डेथ हो गई पूरी सृष्टि पर, ये सच्ची घटना है, बिल्कुल फैक्ट है ये। If you believe in the word of God, this is all, ये रिपीट होने जा रहा फिर से। वैसे ही मनुष्य के पुत्र के आना भी होगा, उसके आते समय भी होगा, डेथ रेट बढ़ जाएगा। अभी क्या चल रहा है, मृत्यु दर अभी कितनी है, पूरे विश्व की बात कीजिए, घट क्यों नहीं रही? थोड़ी सी घटती है कई गुना बढ़ जाती, थोड़ी सी घटती है कई गुना बढ़ जाती। कुछ लोग तो ऐसे ही दहशत से मर जा रहे हैं, कुछ लोग यानी क्या बोलते हैं सदमे से मर जा रहे हैं, कुछ लोग देख रहे हैं कि सब कुछ नष्ट हो गया अब हम क्या करेंगे, इसलिए मर जा रहे हैं, आत्महत्याएं भी हो रही है, डेथ रेट अभी और बढ़ेगा। यहीं से हम बताते हैं, हम कहीं और से नहीं बताते, सब कुछ यहाँ पर स्पष्ट है और इसलिए धड़ल्ले से बता देते कि ये हो रहा है और ये होगा क्योंकि लिखा, और जो कुछ लिखा है एक एक बात पूरी होगी। आगे पढ़िए, वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी आने का
आना भी होगा। उसके आगे के समय भी वही होगा जो नूह के दिनों में हुआ था, वो फिर से रिपीट हो रहा है और वो शुरू हो गया। ये सीजन चालू हो गया, सेकंड कमिंग का टाइम चालू है और अब धीरे 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 एडवांस की तरफ बढ़ेगा। अब इसको इंग्लिश में पढ़ना बेटा, जस्ट एज इन दोज डेज बिफोर द फ्लड they were eating and drinking men marrying and women being given in marriage until the very day when Noah went into the ark and they did not know or understand until the flood came and swept them all away so will be the coming of the son of man clear hai। और आपको सामने चिन्ह देखना आना चाहिए। इफ यू आर रियली बिलीव इन जीसस क्राइस्ट, अगर वास्तविक में उससे प्रेम करते हैं और उसको अपना जीवन दे चुके हैं, उसको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर चुके हैं, तो आपके लिए तो ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है जी। अब इसके बाद देखिए दूसरे प्रकार के लोग, सेकेंड इमेच्योर बिलीवर्स, दे नो द फैक्ट। ये जो इमेच्योर विश्वासी है, जो अपने आप को मसीही मान तो रहे हैं और ये वाली बात जानते हैं कि यीशु मसीह दोबारा आने वाला है, दे नो द फैक्ट, बट नॉट रेडी बिकॉज द लैक ऑफ स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। वो उस तैयारी में नहीं आ पाते हैं क्योंकि वो आत्मिक तौर पे इमेच्योर है। वो फिजिकली इस बात को क्लियर यानी जान रहे हैं कि वो आने वाला है, लेकिन स्पिरिचुअली इमेच्योर होने के कारण स्पिरिचुअल प्रिपेरेशन में वो इमेच्योर है, इसलिए वो स्पिरिचुअल प्रिपेरेशन नहीं कर पा रहे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय उसका 10 पद पढ़िए। यीशु मसीह जो आ रहा है तो वो प्रिपेयर्ड लोगों के लिए आ रहा है। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद हो गया। उसके बाद फिर वो आई कौन, जो तैयार नहीं थी वो तैयारी करने चली गई जब वो आ गया। अरे एंड टाइम पे तैयार होगी जब दूल्हा द्वारे पे आ गया, के पहले से दुल्हन को तैयार रहना, दूल्हा तो आएगा और रिसीव करेगा जाए, टाइम थोड़ी होता है। यीशु मसीह प्रिपेयर्ड लोगों के लिए आ रहा है, अनप्रिपेयर्ड के लिए नहीं आ रहा है। तो ये वाले लोग जो है इनके लिए भी कठिन सा बात होगी। तीसरे है मैच्योर बिलीवर्स, दीज बिलीवर्स आर प्रिपेयरिंग देमसेल्व्स नाउ टू वेलकम हिम, उसका स्वागत करने के लिए। हमें जो प्रिपेयर्ड लोग हैं स्पिरिचुअली मैच्योर लोग आर द प्रिपेयर्ड, आप स्पिरिचुअली मैच्योर हो जाएंगे ना तो आपको फिर कुछ करना ही नहीं, आप तो तैयार हैं, बस आपको तैयार रहना, मेंटेन रखना अपनी तैयारी को। और ये पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसका 4-6 पढ़ लो। पर हे भाइयों तुम तो अंधकार में नहीं हो, तुम तो यानी ये वो लोग हैं स्पिरिचुअली मैच्योर लोग, उनसे पौलुस कलीसिया को कलीसिया के लोगों से वो पौलुस कह रहा है, परंतु हे भाइयों तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वो दिन तुम पर चोर के समान आए, तुम्हारे लिए चोर के समान नहीं आएगा, तुमको दिखने लगेगा पहले से जी, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान हो और दिन की संतान हो हम ना रात के हैं ना अंधकार के इसलिए हम दूसरों के समान इन दोनों लोगों के समान, दो कैटेगरीज के समान, दूसरों के समान सोते ना रहे पर जागते और सावधान रहे। यानी ये बात भी स्पिरिचुअली कही गई है, जागते रहना स्पिरिचुअली और सावधान रहना स्पिरिचुअली। इंग्लिश में पढ़ो बेटा, But you are not in darkness given up to the power of darkness brethren for that day to overtake you by surprise like a thief
like a thief. For you are all sons of light. All sons of light. And sons of the day. And sons of the day. We do not belong. Either to the night. Or to darkness. Accordingly then. Let us not sleep. As the rest do. Let us keep wide awake. Alert. Watchful. Cautious. And on our guard. And let us be sober. Calm. Collected. And circumspect. हम रडार की तरह, हमारा माइंड रडार की तरह हो, चारों तरफ मॉनिटरिंग होती रहे, क्योंकि हमारे लिए तो ये बिल्कुल सतर्क रहने वाला टाइम है। मालूम क्यों? हमारा विरोधी शैतान खोज रहा है। किसको खोजेगा? इसमें से 1, 2, 3 टाइप्स ऑफ पीपल, इसमें से वो किन किन को पा जाएगा? एक तो उनके कंट्रोल में है, नहीं फर्स्ट वाले तो उसके कंट्रोल में, सेकेंड वालों पर वो अटैक करने। तो किसके लिए ये प्रिपेरेशन किसको बताई गई है? थर्ड, ऑल प्रिपेरेशन फ्रॉम इफिशियंस 6 इज फॉर द थर्ड कैटेगरी। इसलिए हमें बिल्कुल प्रिपेयर्ड रहना, क्योंकि वो प्रिपेयर्ड होंगे उन्हीं को रिसीव करने। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। लास्ट में एक वर्स पढ़ दीजिए, ताकि पता चल जाए ये वाला, ये सारी चीज़ यहाँ से जुड़ी हुई है, जहाँ पे अभी आप पढ़ रहे थे 5 अध्याय, पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय, उसका 3 पद भी पढ़ दीजिए। 4 से पढ़ा था, 3 पढ़ दीजिए, बल्कि पहले पद से पहला दूसरा तीसरा पढ़ भी पढ़िए। 5 का पहला दूसरा तीसरा हिंदी में पढ़िए। पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में मैं तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए। कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो जैसा रात को चोर आता है वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं। तो उन पर ऑल इज वेल कह रहे होंगे लोग, संसार में लोग क्या कह रहे होंगे? Everything is nice, okay. जी। तो उन पर एक विनाश आ पड़ेगा। अचानक से कुछ होगा, विनाश हो जाएगा, अचानक से विनाश आएगा। जी। जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा और वे किसी रीति से यानी कोई युक्ति, कोई बुद्धि, कोई शक्ति उन्हें बचा नहीं पाए। ये होगा। इसमें कौन से 2 प्रकार के लोग चले जाएंगे? निपट जाए। साफ साफ परमेश्वर का वचन स्पष्ट बता रहा, पवित्र आत्मा में दिखा भी रहा हमको। थर्ड वाले पार्ट में मैच्योरिटी में बने रहना है, मैच्योर हो जाना ही काफी नहीं है, मैच्योरिटी में बढ़ते जाना है, जब तक कि क्योंकि हर चीज एडवांस हो रही है। आप मैच्योरिटी में भी एडवांस रहिए, आपकी मैच्योरिटी बढ़ती रहे जब तक वो आ नहीं जाता। जी इंग्लिश। But as to the suitable times and the precise seasons and dates, brethren, you have no necessity for anything being written to you. For you yourselves know perfectly well that the day of the return of the Lord will come as unexpectedly and suddenly as a thief in the night when the people are saying all is well and secure and there is peace and safety then in a moment unforeseen destruction ruin and then will come upon them as suddenly as labor pains come upon a woman with child and they shall by no means
by no means escape for there will be no escape. उनके पास बचाव के लिए कोई चीज बची ही नहीं, कोई ऑप्शन ही नहीं होता बचने का. थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड. परमपिता परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए और आपके पवित्र वचनों के लिए और पवित्र आत्मा के लिए. प्रभु आपका बहुत धन्यवाद करते हैं. आप अद्भुत युक्ति करने वाले परमेश्वर और जो बुलाए हुए हैं, चाहे वो किसी भी जाति के लोग हों, चाहे वो यहूदी हों, चाहे वो अन्य जाति, जो बुलाए हुए हैं उनके लिए मसीह परमेश्वर का ज्ञान और परमेश्वर की सामर्थ है. और वो आप पर, जो लोग आप पर विश्वास करेंगे वास्तव में और वास्तव में अपने तैयार होंगे, स्पिरिचुअली प्रिपेयर होंगे, स्पिरिचुअली मेच्योर होंगे और आपके प्लान के अनुसार रेडी होंगे, उनके लिए प्रभु बहुत अच्छा समय आ रहा है. हम धन्यवाद करते हैं कि आप महान हैं और आपने जो वायदे किए वो हाँ और आमीन के साथ किए. धन्यवाद के साथ हम इस प्रार्थना को आपके प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन. प्रेज़ द लॉर्ड. परमेश्वर आशीष.